अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना मरतूर। आप देख रहे हैं बीटीक्यू न्यूज टीवी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैरियटन कराची में आप अपने प्लॉट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, उस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन आपने किस तरह करनी है, उसकी उस कंस्ट्रक्शन की जो आपकी बिल्डिंग आप बनाएंगे, जो विला आप तैयार करेंगे, उस विला की हाइट कितनी होगी, आपको बैरियटन की तरफ से कितनी हाइट आपको अलाउ है, कितने कवर्ड एरिया पर आप कंस्ट्रक्शन अपनी कर सकते हैं, ख्वा वो 125 गज का प्लॉट हो, 250 गज हो, 500 गज हो, 1000 गज हो, 2000 गज हो, आपका जो अंडरग्राउंड टैंक है ये कितना बड़ा होगा, आपका जो ओवरहेड जो टैंक है वो कितना बड़ा होगा, ये सारी डिटेल हम जो ना डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको बैरियटन की तरफ से जो ना वो क्या क्या चीज, क्या क्या बातें आपको अलाउ हैं और किन बातों का आपने ख्याल रखना है कंस्ट्रक्शन के। आज की ये जो वीडियो है ये बैरियटन कराची के जो बायलॉज हैं उन बायलॉज के मुतालिक है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से टोटल। इसमें मेरी कोई जाती राय या मेरी तरफ से कोई बात इसके अंदर एडिशन नहीं है। जो कुछ बैरिया ने आपको अलाउ किया है, जो जो चीजें बैरिया ने आपको बताई है दौरान कंस्ट्रक्शन, वो मैंने कोशिश की है कि आपको मैं इसकी डिटेल दे सकूं। इसके साथ जो है वो मैंने एडिशन की है जो प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स का आपको मैं डिटेल भी दूंगा कि आपको अलाउबल कवर्ड एरिया कितना है प्लॉट का, और उस प्लॉट के साथ मैं आपको यहाँ बताऊंगा भी, और उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, उस वीडियो में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका जो प्लॉट है या आपका जो विला तैयार करेंगे उस वो विला तैयार होने के बाद वो किस तरह का। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि इसमें आपको पूरी डिटेल समझ में आ सके कि आपका जो प्लॉट है उस प्लॉट पर आपका विला किस तरह का तैयार होगा और इसके बायलॉज बैरिया की तरफ से क्या है, 125 गज में, 250 गज में, 500 गज में, 1000 गज में, 2000 गज में। आप इसको एंड तक वीडियो को देखेंगे तो आपको मुकम्मल बात आपकी समझ में आएगी। आपका जो विला तैयार होना है वो विला आपका ग्राउंड प्लस वन होगा, आपका ग्राउंड बनेगा इसका, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर आपका बनेगा ग्राउंड प्लस वन। इसके बाद जो छत है आपकी जो डलेगी वो छत आपकी सिर्फ ओवरहेड जो टैंक आपका बनाया हुआ है ऊपर वो होगा, बाकी आप उस पर जिस तरह नॉर्मली ममटी बनती हैं या प्रोजेक्शन या फिर हम नॉर्मल सिटीज के जो शहर के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जो सेक्शन होती हैं, हम इसको जो है अपनी आखिरी जो छत होती है तीसरी चौथी, यहाँ तो हमें तो अलाव है नॉर्मल उसके अंदर, तो यहाँ जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उस कंस्ट्रक्शन पर हमें जो है वो हम आखिरी छत के ऊपर एक कमरा अलग से बना देते हैं, या वॉशिंग एरिया के लिए हम जो है ना वो छत इस्तेमाल हो रही होती है, या बच्चों के खेलकूद के लिए छत इस्तेमाल हो रही होती है, और मुख्तलिफ हम उसको अपने इस्तेमाल में लेते हैं। लेकिन बैरियटन में ऐसा नहीं है कि आप जो है ना वो इसके ऊपर अपनी छत को किसी और पर्पज में इस्तेमाल करें। इसकी जो टोटल हाइट आपकी आनी है आपका ग्राउंड से लेकर ऊपर तक आपकी, मतलब ग्राउंड प्लस वन ऊपर आपकी जो फर्स्ट फ्लोर है आपका, इसकी जो टोटल हाइट आनी है छत तक की ऊपर ओवरहेड जो टैंक है ना वो भी इंक्लूड होने के बाद आपकी जो हाइट आएगी वो 30 फीट आएगी। जमीन से आपका जो बिल्डिंग बननी है, आपका जो विला तैयार होना है, उसकी जो हाइट है 30 फीट से ज्यादा अलाउ नहीं है। क्या वो ख्वा 125 गज का प्लॉट हो, 250 गज का प्लॉट हो, 500 गज हो, 1000 गज हो, 2000 गज हो, जितने भी प्लॉट्स हैं जिन पर आप विलास अपने तैयार कर रहे हैं मासवाय बैरिया ग्रीन्स के, बैरिया ग्रीन्स में या फिर न्यू प्रेसेंट्स हैं वहां पर बैरिया ने फ्यूचर में अलाउ आपको करेगा, जिस तरह बैरिया ने आपसे कमिटमेंट की हुई है कि उसमें ग्राउंड प्लस टू होगा वहां पर अलाउ कंस्ट्रक्शन। लेकिन अभी जो मौजूदा ओल्ड बीटीके है, ओल्ड बीटीके के अंदर आपको जो है ना वो इसी तरह स्पोर्ट्स, इसी तरह पैराडाइज के जो मौजूदा प्रेसेंट्स हैं, इन प्रेसेंट्स में आप जो भी विला अपना तैयार करेंगे वो खा किसी भी कैटेगरी का हो उसकी जो हाइट है वो 30 फीट होगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 125 गज के प्लॉट पर। बैरियटन कराची की तरफ से आपको जो अलाउ है आपके 125 गज के प्लॉट पर वो 70% एरिया है जिस पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बैरियटन कराची के प्लॉट की 70% 125 गज के प्लॉट के ऊपर 70% एरिया के ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन अलाउ है, आपका जो अलाउबल कवर्ड एरिया वो 70% है। इसका तरीकेकार ये होगा कि इसका जो फ्रंट है, फ्रंट आपने 5 फीट छोड़ना है, फ्रंट का जो एरिया है वो आपने 5 फीट छोड़ना है, और इसका जो रेयर है बैक साइड भी आपने जो है वो 3.6 फीट छोड़नी है। फ्रंट 5 फीट और 3.6 फीट बैक वाली साइड, ये आपने दोनों जगह से छोड़ वाला जो वो है टैंक है छत का वो आपका बनेगा 6x6 और 4 का, मतलब 6 यूं 6 यूं और 4 उसकी गहराई। अंडरग्राउंड टैंक है वो आपका बनेगा 5x4x4 का,
आपका जो स्टोरेज है नीचे पानी की अंडरग्राउंड जो टैंक है वो आपका बनेगा 5x4x4 का, मतलब 5x4x4 इसकी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है 125 गज के विला की, प्रश्न 14 का ये विला है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अब चलें आप चलते हैं वीडियो की तरफ, आप वीडियो देखकर आपको अंदाजा मजीद हो सकेगा कि आपका 125 गज का जो विला है वो तैयार होकर कैसा होगा। ये प्रसंट 14, प्रसंट 14 में 125 गज की कंस्ट्रक्शन है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पर। इसका कंस्ट्रक्शन के दौरान 125 गज के अंदर आपने जो फ्रंट छोड़ना है वो छोड़ना है 5 फिट। ये 5 फिट का एरिया बनता तो नहीं है, लेकिन ये कि बाज़ाहिर छोटा महसूस हो रहा है, लेकिन ये अब जब इसमें वॉल्स आएंगे तो उसके हिसाब से कवर हो जाएगा। 4 फिट की वैसे वैसी जगह बनती है, ये छोड़ना है। इसके अलावा फिर ये कारपोरेज है, ये है रेयर का एरिया बैक साइड, 3.6 फिट ये आपने छोड़ना है यहाँ पर, और ये इसकी एंट्रेंस होगी। ये वॉशिंग एरिया भी आई थिंक बनेगा, ये फ्रंट इसका 5 फिट है और बैक इसकी 3.6 फिट है, और यहाँ से एक आपसे एक दरवाजे से आपकी एंट्रेंस होगी बैक वाली साइड पर रेयर एरिया के अंदर आने के लिए। 125 गज की कंस्ट्रक्शन है P14 के अंदर। यह है इसका टॉप फ्लोर, छत पर आने के लिए यहाँ एंट्रेंस इन्होंने दी हुई है, सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं स्टेयर्स लोहे की, ये बैक से इन्होंने बिल्कुल दिया है इसको। ये फर्स्ट फ्लोर से आप इस पर जो है वो यूज़ होंगी ये स्टेयर्स। ये इसकी छत है 125 गज की, और ये है रोशनदान एग्जॉस्ट के लिए एरिया, ये डक्ट छोड़ा गया है और फिर हम इसको रोशनदान कहा जाता है, तो मैं भी रोशनदान ही यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा ये है जी इसकी छत की टंकी, इसका एरिया है 6x6x4 का, इसकी हाइट जो है वो 4 फिट की है और दोनों साइडों से 6x6 की है, एक साइड से 6 दूसरी साइड से 6 और हाइट जो इसकी वो 4 फिट की। ये हम अब देखते हैं नीचे की तरफ रेयर एरिया की तरफ, ये रेयर एरिया आपको नजर आ रहा होगा, रेयर इस तरह ओपन रहेगा। इसके जो बैक पर जो प्लॉट बनना है उसकी भी दीवार रेयर के साथ ही बिल्कुल टच होगी जाके, और ये समझ लें कि अगर 3.5 फिट ये है 3.5 वो है, 7 फिट का बीच में स्पेस आ जाता है, तो इस वजह से वेस्ट ओपन और ईस्ट ओपन वाला चक्कर भी ख़त्म हो जाता है। जब आपका एग्जॉस्ट की आपको जगह मिलेगी इसमें तो आपका जो वेस्ट ओपन ईस्ट ओपन वाला जो मामला वो भी क्लियर हो जाएगा। ये है इसका फ्रंट, बाकी जो एरिया है वो आपका ओपन रहेगा। इसका तरीकेकार ये बनेगा कि 5 फिट का फ्रंट ओपन रहेगा, 5 फिट आपने फ्रंट छोड़ना है, फ्रंट से आपकी जो बाउंड्री वॉल है उससे और आपके अंदर की जो कंस्ट्रक्शन है यहां आपका 5 फिट का ओपन एरिया होगा। बैक पर जो है वो आपका 7 फिट आपने ओपन छोड़ना है, बैक वाले एरिया में 7 फिट ओपन आपने छोड़ना है, और इसकी एक साइड वन, एक साइड से आपका जो है वो आप छोड़ेंगे 5 फिट, एक साइड से आप 5 फिट छोड़ेंगे, 5 फिट आपने फ्रंट छोड़ना है, बैक से आपने 7 फिट छोड़ना है और एक साइड से आपने 5 फिट छोड़ना है। उसके बाद उसका अंडरग्राउंड टैंक है जो नीचे जो स्टोरेज है पानी की वो आप बनाएंगे 7x5x6 का, 7x5 का इसका कवर्ड एरिया होगा और इसकी जो गहराई है जो डेप्थ है इसकी वो होगी 6 फिट अंडरग्राउंड टैंक की। इसी तरह ऊपर आपका जो ओवरहेड टैंक आप बनाएंगे, ओवरहेड टैंक का जो बनेगा आपका 6x5x4,
आपने मतलब 6x5 का इसका कवर्ड एरिया और 4 फीट इसकी गहराई, ये ओवरहेड टैंक का, ये आपको जो नीचे की स्टोरेज और ऊपर की स्टोरेज, ये टैंक्स की आपको मैंने बताई। टोटल आपका जो एरिया आपको मिलना है वो 65% मिलना है। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि अब आपको बता सकूं कि 250 गज का जो प्लॉट है वो तैयार होने के बाद आपका जो विला जब तैयार होगा तो किस तरह का होगा। चलते हैं वीडियो। 250 गज की कंस्ट्रक्शन, 250 गज की कंस्ट्रक्शन में 5 फीट आपने फ्रंट छोड़ना है, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है 5 फीट का एरिया, फ्रंट का एरिया इसके अंदर है। इसके अलावा फिर कारपोरेज है, और इसके बाद जो है साइड वन ये साइड वन है इसकी। एक साइड से आपने 250 गज के अंदर भी एक साइड आपने छोड़नी है। ये साइड वन आपको नज़र आ रही है, बैक पर जा रहा है एरिया। बैक पर इसका जो ओपन रहेगा वो रहेगा 7 फीट का, फ्रंट 5 फीट है और बैक जो है ना वो 7 फीट है। ये देखें, ये इसने जो है वो इसी तरह, फिर ये एक साइड जैसे आपने देखी कि इसका जो है वो एक साइड ओपन है और ये बैक पर 7 फीट का एरिया छोड़ा गया है। ये बायलॉस के अंदर है, बायलॉस के हिसाब से ये कंस्ट्रक्शन है सारी। ये प्रेसेंट वन का 250 गज है, प्रेसेंट वन के अंदर ये कंस्ट्रक्शन कंपनी इसको तैयार कर रही है, और ये इसका 250 गज का कवर्ड एरिया है बायलॉस के हिसाब से आपने जो उसको छोड़ना है। ये इसका डक्ट आएगा बिल्कुल सेंटर के अंदर, ये ऊपर तक जा रहा है, सेंटर में इसका डक्ट आएगा, और ये भी साइड जो आपने ओपन रखनी है साइड वन या साइड टू जो भी है उसी के अंदर इसकी सेटिंग बनेगी सारी। ये है इसका अंडरग्राउंड टैंक, ये जो नीचे वाला एरिया है कारपोरेट के बिल्कुल नीचे अंडरग्राउंड टैंक है ये। इसके बाद नंबर आता है 500 गज का। 500 गज के प्लॉट में आपको जो बैरिया टाउन की तरफ से अलाउएबल कवर्ड एरिया है वो आपने मिलता है आपको 50%, मतलब आपने 50% जो एरिया है उस पर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है 500 गज पर, और 500 गज का 50% एरिया आपने ओपन रखना है। वो ओपन आपने किस तरह रखना है उसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूं। इसका जो फ्रंट है, फ्रंट वाला जो एरिया है आपको 10 फीट आपने ओपन रखना है। आपका जो कंस्ट्रक्शन, आपकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री से अंदर जो कंस्ट्रक्शन आपकी स्टार्ट होगी वो 10 फीट आप छोड़कर फिर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। बैक वाला जो एरिया है, रेयर एरिया, उसमें आप छोड़ेंगे 7.6 फीट, 7x7.6 फीट आप छोड़ेंगे बैक वाली साइड से, 10 फीट फ्रंट से, 7x7.6 फीट आप छोड़ेंगे बैक से, और साइड वन से एक साइड से मतलब आपने छोड़ना है 7 फीट, दूसरी साइड से आपने छोड़ना है 7 फीट। आपका तैयार होना है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन आपने करनी है, आपकी जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के अंदर आपने 10 फीट यू फ्रंट छोड़ा, 7 फीट आपने बैक छोड़ा, 7 फीट आपने एक साइड छोड़ी, 7 फीट आपने दूसरी साइड छोड़ी, इसके दरमियान आपकी जो है ना आपकी इमारत तैयार होगी, ग्राउंड प्लस वन आपको जो विला तैयार कर रहे हैं वो होगा। इसमें जो बैरियर की तरफ से आपको अंडरग्राउंड टैंक जो अलाउ है वो है 8x5x6 का इसकी कवर्ड एरिया है और 6 फीट इसकी गहराई है अंडरग्राउंड टैंक की। नीचे जमीन वाले जो आपकी स्टोरेज है, जो आपने जो पानी जमा करने के लिए स्टोरेज बनानी है वो आपका बनना है 8x5x6 की इसका कवर्ड एरिया, 6 फीट इसकी गहराई। इसी तरह ओवरहेड जो टैंक है, आप ऊपर की छत की जो टैंकी है, छत वाली टैंकी आप बनाएंगे 7x5x4, मतलब 7x5 का कवर्ड एरिया और 4 फीट इसकी गहराई। देखते हैं वीडियो 500 गज की, जो वीडियो मैंने बनाई हुई है 500 गज की जो कंस्ट्रक्शन, ये हिल्स का एक प्लॉट है जिस पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ विलग तैयार हो रहा है, इसकी डिटेल अब चल के हम देखते हैं वीडियो में। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको वीडियो में वो बातें बता सकूं कि आपका जो फ्रंट बैक और साइडें किस तरह आपने आपका होगा और ये तैयार होने के बाद आपका जो 500 गज का विला कैसा होगा, चलिए देखते हैं वीडियो के अंदर। 500 गज का प्लॉट अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है ये भी। इसका आप ये देखें कि जो फ्रंट है इसका बायलॉस के हिसाब से 10 फिट जो फ्रंट छोड़ना है वो इस तरह इसका फ्रंट आएगा। ये 10 फिट का एरिया, ये फ्रंट वाला जो एरिया है,
अच्छा, इसके बाद 500 गज में जो है ना दो साइडें रह जाती हैं, साइड वन और साइड टू। अब 125 और 250 गज़ में आपने देखा था कि इसमें जो है वो साइड वन और साइड टू, सिर्फ ओनली साइड वन थी। इसके अंदर दो साइडें हैं, एक ये साइड वन है, ये साइड वन। अब चलते हैं हम बैक वाली साइड पर। पाँच सौ गज़ के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है आपकी, दोनों साइडें आपकी ओपन रहेंगी, साइड वन भी और साइड टू भी। और बैक पर आपका ये है इसका बैक साइड, रेयर जिसे कहा जा रहा है, 7.6 फिट की ये जगह छोड़नी है पीछे। और इसकी जो एंट्रेंस है वो भी बैक साइड से, ये आप ये देख रहे हैं जो अंडर, इसकी जो बेसमेंट बननी है, बेसमेंट की एंट्रेंस भी जो है वो बैक साइड से है। यह है 7.6 फिट का रेयर बैक वाला एरिया, वॉशिंग एरिया भी कहलाएगा ये। ये पूरा यहाँ से वहाँ तक। इसके बाद यह है साइड टू, हम पहले साइड वन से आए, ये साइड टू। ये भी 7 फिट का एरिया है कि जो आपने दोनों साइडें 7-7 फिट की छोड़नी है, साइड वन भी और साइड टू के भी, 500 गज के अंदर ही। अभी हम दोबारा फ्रंट पर आ गए। ये दोबारा फ्रंट का स्पेस जो है 10 फिट का। ये कारपोरेज और इसी के नीचे जो है अंडरग्राउंड टैंक है। उसके बाद नंबर आता है 1000 गज का। 1000 गज का आपका जो टोटल आपको अलाउ है, 1000 गज में भी आपको 50% पर अलाउ है कि आपने 50% पर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, 50% आपने ओपन रखना है। आपका जो 1000 गज का जो प्लॉट है उस पर आपके 50% भी आपकी कंस्ट्रक्शन आएगी और 50% आपका ओपन। इसका जो तरीकेकार होना है वो ये होना है कि आपका जो फ्रंट है वो आप छोड़ेंगे 15 फिट और बैक आप इसकी छोड़ेंगे 10 फिट। फ्रंट का जो एरिया आना है वो आना है 15 फिट का, रेयर एरिया जो बैक वाला एरिया है वो आना है आपका 10 फिट का। और इसकी साइड वन और साइड टू, इसमें भी आपको जो साइड वन है वो आपने 7-7 फिट छोड़नी है एक साइड से, दूसरी साइड से आपने 7 फिट छोड़नी है। इसके दरम्यान में से आपकी जो ना इमारत तैयार होगी, ग्राउंड प्लस वन आप जो बनाएंगे विला वो आपका तैयार होगा। ये भी आपका 50% पर आपको अलाउ है कि 50% पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 1000 गज के अंदर जो अंडरग्राउंड टैंक है, जो जमीन का जो टैंक है वो आपका बनेगा 8x5x7 का, मतलब 8x5 इसका कवर्ड एरिया, 7 फिट इसके गहराई। 1000 गज के अंदर अंडरग्राउंड जो टैंक है वो 8x5x7, 8x5 और 7 फिट इसकी गहराई। इसी तरह ओवरहेड जो टैंक है वो आपका छत वाली जो टैंकी वो बनेगी आपको 7x6x4, 7x6 इसकी जो है वो कवर्ड एरिया, 4 फिट इसकी गहराई। ये है 1000 गज के अंदर। 1000 गज का कोई ऐसा मुझे विला नहीं मिला कि जिसकी मैं आपको वीडियो बना के दिखा सकूं, ताकि जो आपको समझाने में मुझे आसानी हो। इस वजह से मैं सिर्फ आपको इसका बता ही सकता हूं, कोई वीडियो भी फिलहाल मेरे पास ऐसी नहीं है। कोई अगर मुझे वीडियो मिली 1000 गज की कंस्ट्रक्शन होती हुई तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जरूर उसकी शेयर करूंगा। इसके बाद नंबर आता है 2000 गज का। 2000 गज में भी आपको जो ना 50% अलाउ है कि आप 50% एरिया पर अपनी कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं। इसका जो तरीकेकार वो ये होना है कि 15 फिट आप इसका फ्रंट छोड़ेंगे, 10 फिट आप इसकी बैक छोड़ेंगे और 7 फिट एक साइड से, 7 फिट दूसरी साइड से। फ्रंट एरिया भी आपका 15 फिट ओपन रहेगा, बैक एरिया आपका 7 फिट ओपन रहेगा। इसके बाद जो 7 फिट एक साइड से, 7 फिट दूसरी साइड से, ये 500 गज की जो वीडियो मैंने बनाई हुई है विला की, उसके अंदर आपको अंदाजा हो जाएगा कि 7 फिट एक साइड से, 7 फिट दूसरी साइड से और इसका जो बैक एरिया फ्रंट इसका 10 फिट 500 गज का। तो आप उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस दोनों साइडों से जो आपने 7-7 फिट छोड़नी है वो किस तरह का होगा। यही तरीके का 1000 गज में भी 7 फिट दोनों साइड है
और 2000 गज में भी 60 फीट दोनों साइड है। इसमें जो फर्क है वो 1000 गज में 15 फीट आपने फ्रंट छोड़ना है, 2000 गज में 15 फीट फ्रंट छोड़ना है आपने, बैक वाले एरिया आपने जो है ना वो 1000 गज में भी 2000 गज दोनों के अंदर 10-10 फीट आपने छोड़ना है, साइडें दोनों में 7-7 फीट आनी है। ये तो थी डिटेल आपके कवर्ड एरिया के ऊपर कि बैरिया टाउन कराची की तरफ से आपको कितना अलाउएबल एरिया है आपके पास कवर्ड एरिया के, जिस एरिया पर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। उम्मीद है कि ये वीडियो इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आए। वीडियो से मुतालिक आपकी अगर कोई क्यूरी है तो आप मुझे जो है ना वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये जो बायलॉज है मेरे पास, ये बायलॉज आपको अगर चाहिए मुझसे तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको जो है ना वो व्हाट्सएप पर इसकी मैं जो कॉपी है मेरे पास वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आपको एक अंदाजा हो सके कि बैरिया टाउन के जो बायलॉज हैं बायलॉज के मुताबिक आपकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की होनी। इस बायलॉज के फॉर्म के अंदर और भी काफी चीजें मौजूद हैं कि जिसके अंदर जो है ना वो गेट डिजाइन है, बाउंड्री वॉल है, फिनिशिंग मटेरियल है, मुख्तलिफ चीजें हैं। ये मैं आपको हर उसकी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि अलग अलग एक वीडियो बना के दूं, क्यों अगर एक ही वीडियो में बनाता हूं मैं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है, तो मेरे जो देखने वाले जो व्यूवर्स हैं मेरे वो परेशानी उनको होना शुरू हो जाती है कि यार इतनी लेंदी वीडियो बना क्यों रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर जो इसका पार्ट है हर पार्ट की अलग एक वीडियो बनाऊं, ताकि एक आपको अंदाजा हो सके कि जो कंस्ट्रक्शन है बैरियर के अंदर वो किस तरह की होनी है और आपने जो कंस्ट्रक्शन करनी है आपका एक माइंड जो है ना वो मेकअप हो जाए, एक माइंड आपका तैयार हो जाए कि आप जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उस कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या मामला आपने फेस करने हैं और किस तरह का आपका काम होना चाहिए। इस वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाजत दें, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।